मनोज तिवारी इन दिनों भले ही पॉलिटिक्स में भाई कार्यरत हैं, लेकिन कभी भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हुआ करते थे और आज भी उनके जैसा स्टारडम किसी भी भोजपुरी सुपरस्टार का नहीं है। आज हम मनोज तिवारी के बारे में आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो पुरानी है। बात भले ही मनोज तिवारी को लेकर पुरानी हो, लेकिन मनोज तिवारी से जुड़ी पुरानी से पुरानी खबर भी हम आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आज भी वो भोजपुरिया के चहीते सुपरस्टार हैं। आपको तो याद होगा कि मनोज तिवारी, जी हाँ, कभी सुर संग्राम जो कि महुआ टेलीविजन पे आता था उसे होस्ट किया करते थे। अब भाई इस प्रोग्राम में मनोज तिवारी एज अ होस्ट थे, एज अ जज कल्पना पटौदी, गीतकार विनय बिहारी और लोक गायिका मालिनी अवस्थी इस शो में एज अ जज थी। आपको बता दें इस शो में एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिनका नाम अनामिका सिंह था, जिसको लेकर मनोज तिवारी कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। अब आपको बता दें कि अनामिका जैसे ही गाना गाने आई, वो उस दिन साड़ी पहन कर आई थी। अब मनोज तिवारी उनकी तारीफ करने लगे, तारीफ पे तारीफ, और साथ ही वो ये पूछ बैठे, भाई तुम किससे प्यार करती हो, तुम लव मैरिज करोगी कि अरेंज मैरिज करोगी, ये सारा कुछ पूछ ही रहे थे। इतने में उस कंटेस्टेंट की मम्मी मनोज तिवारी पर भड़क गई। उन्होंने मनोज तिवारी को खूब खरी खोटी सुनाई। उनका कहना था कि मेरी बेटी इन सब चीज़ों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, वो अगर आपके इन सब चीज़ों का जवाब नहीं देना चाह रही है कि वो लव मैरिज करेगी कि अरेंज मैरिज, आप उसे क्यों दबाव डाल रहे हैं, और तो और ये बात आपको शोभा नहीं देती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सिर्फ सिंगिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे, न कि इन फालतू बातों पर। तब बात को संभालते हुए विनय बिहारी बीच में आए, लेकिन इतने पर भी वो महिला नहीं रुकी, यानी कि उस कंटेस्टेंट की मम्मी ने लगातार मनोज तिवारी को भला बुरा कहती रही। तब मनोज तिवारी ने मौके को संभालते हुए ये कहा कि अगर आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हैं तो मैं आपको आगाह कर दूं कि इसके लिए तो आपकी बेटी ने ही खुद कहा है कि वो किसी से प्यार करती हैं। तब उस कंटेस्टेंट की माँ चौंक गई। उन्होंने कहा, इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं कि मेरी बेटी किसी से प्यार करती है। तब मनोज तिवारी ने कहा, इसका तो प्रूफ है मेरे पास। तब उस कंटेस्टेंट की मम्मी ने कहा कि वो प्रूफ आप मुझे दिखाइए। जैसे ही मनोज तिवारी ने प्रोग्राम सुर संग्राम की टीम को कहा कि आप वो एवी दिखाइए जिसमें अनामिका ने ये कहा है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, जब वो एवी दिखाई गई तो अनामिका खुद कहती नज़र आई हैं कि वो अपनी मम्मी पापा को छोड़ दुनिया में किसी से प्यार नहीं करती और उन्हीं के लिए कुछ करना चाहती हैं। ये सुनते ही उस कंटेस्टेंट की मम्मी की आंख भर आई और फिर वो मनोज तिवारी से माफ़ी मांगने लगी। तब मनोज तिवारी ने ये कहा कि आप उनकी माँ हैं और आपको पूरा हक बनता है कि आपके बच्चे के लिए कोई ऐसे बात करे तो आप उसे लड़े और झगड़े, ये सौभाग्य की बात है। अनामिका को आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं जो उसके टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कितने विनम्र हैं मनोज तिवारी अपने रियल लाइफ में, इसलिए शायद अब भी मनोज तिवारी की इतनी वाहवाही होती रहती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।